तो दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, इस क्वार्टर में कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। 1.20 रुपये के हिसाब से कंपनी इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो याद रखिएगा, कंपनी की ओर से 1.20 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है इस क्वार्टर में। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेस के लिए क्रोस में दिया हुआ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 2,346 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 2,952 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,780 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप कि 23% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 55% के आसपास की तेजी है क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 2,234 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,817 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 3,666 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, 190 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 241 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 256 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो साल दर साल 8% और क्वार्टर क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या निकल के आते हैं वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 3 रुपये का EPS था, पिछले साल 2.57 रुपये, अभी देखें तो 2.73 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर का नंबर है तो शानदार, लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि जिस प्रकार से कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, उस प्रकार से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़े से मिक्स नंबर है, प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, और भी बेहतर हो सकते हैं तो प्रॉफिट, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा उम्मीद से कम देखने को मिल रहा है। ऊपर से शेयर ऑलरेडी भाग चुका है, तो यहां से ऊपर के लेवल तो मुझे नहीं लगता कि और भी ज्यादा तेजी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सके, लेकिन मेरे हिसाब से जो तेजी होनी थी ऑलरेडी हो चुकी है। बाकी देखिए मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।